विषय तो काफी मास्टर जी ने भी रखे, बाकी वक्ताओं ने भी रखे, लेकिन 5 साल पहले जिस व्यक्ति ने जनता को बहका करके, यानी इतना बहकाया कि आम जनता, गरीब बेचारे, वो सब उनके बहकावे में आ गए, और जो झूठ का पुलिंदा सामने रखा, आज 5 साल के बाद देखते हैं जमीन के ऊपर उस प्रकार का कुछ भी नहीं है। एक एक क्षेत्र की बात की तुलना में की जा सकती है, मैं तो तुलना हरियाणा और पंजाब की भी करूं और साथ में दिल्ली की भी करता हूं, तो दिल्ली बहुत पिछड़ गई है, 10 साल पीछे चली गई है दिल्ली, फिर हो गई तो दिल्ली बहुत पीछे चली जाएगी। इसलिए भाई बहनों, ये झूठे जो बहकावे हैं, इसके अंदर बहकावे में नहीं आना, झूठाने में नहीं आना, क्योंकि केजरीवाल को तो मैं कहता हूं झूठ का माल केजरीवाल, तमगा देना हो तो झूठ का माल केजरीवाल, और कुछ नहीं कह सकते। नौटंकी बाज है, क्या क्या नौटंकी करता है। पहले दिन जिस दिन मुख्यमंत्री बना, लोग आते हैं, बधाई देने वाले भी आएंगे, काम लेके भी आएंगे, पर्ची लेके भी आएंगे, तो जब अपने घर से बाहर निकला, कहने लगा मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं जनता के बीच में जाऊंगा। अब जनता के बीच में गया, लोगों ने क्या किया, किसी ने बाजू पकड़ ली, किसी ने पैर पकड़ लिया, किसी ने कंधा पकड़ लिया, किसी ने गला पकड़ लिया, किसी ने कपड़े पकड़ लिए, भाग गया, दीवार पर चढ़ गया, बंदर की तरह, नेता का तरह नहीं, नौटंकी करता, और वहां खड़े होकर करने लगा भाषण। और जब वहां भी लोगों ने पकड़ के चेहरा खींचना शुरू किया, दौड़ करके अंदर घुस गया। ये पहले दिन की घटना, जिस दिन मुख्यमंत्री बना था, है याद आप लोग, छत पे चढ़ गया। यानी इस प्रकार की नौटंकी कोई नेता करता है क्या? नेता का एक स्थान होता है, उसकी मेच्योरिटी होती है, इमेच्योर व्यक्ति है। दूसरी बात बताता हूं आपको, पंजाब में चुनाव हुए, आप लोगों का संबंध पंजाब से है। अब एक विषय है कि हरियाणा और पंजाब के कुछ झगड़े चलते रहते हैं। एक झगड़ा चलता हमारा पानी का, चलता है ना, एस ऑयल का। पंजाब वाले कहते हैं हम एस ऑयल का पानी नहीं देंगे, हरियाणा वाले कहेंगे हमारा पानी हम लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी कर दिया कि हरियाणा का हिस्सा पानी जो है वो हरियाणा में लाना है, तो एस ऑयल के माध्यम से आएगा। चुनाव लड़ने चला गया पंजाब में, और पंजाब में जाकर के क्या कहते हैं, एस ऑयल का पानी जो है वो पंजाब का है, हरियाणा का नहीं है। ये वहां जाके क्या है, दुर्भाग्य क्या हुआ इसके साथ, दुर्भाग्य ये हुआ कि जब हरियाणा में आया, दिल्ली में आया, लोगों ने पूछा अब यहां बोलो, आप बोले क्या, क्योंकि दिल्ली में जब भी पानी की जरूरत होती है तो पानी तो हरियाणा ही देता है। ये ठीक है, अधिकार दिल्ली का 750 क्यूसेक का अपना समझौते में है, वो तुमको देना ही देना है। नहीं, वहां से वो क्या है कि हमारे को हम एहसान नहीं करते हैं, लेकिन और जब जरूरत पड़ती है, मानवीयता के आधार पर, आखिर दिल्ली हमारी अपनी है, दिल्ली के लोग हमारे लोग हैं, जरूरत पड़ती है हम देते ही। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसला दिया कि आप लोग नजीबाबाद का और ये एक दूसरा और होना नहीं है, नजीबाबाद और एक रिजर्वायर, दो रिजर्वायर ये भर के रखने हैं, जिनके भर के रखेंगे 300-350 क्यूसेक पानी और हमको देना, हम देंगे। फिर जब और जरूरत पड़ती है, हमारे पास पानी होता है तो हम और भी देते हैं। पानी के मामले में हरियाणा ने कभी भी दिल्ली का साथ नहीं छोड़ा, जितनी जरूरत है पूरा देंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, कभी दिक्कत नहीं आने देंगे। लेकिन जब इनको ये पता लगा, मैं तो आज हरियाणा की बजाय पंजाब का फेवर कराया हूं, या आने के बाद कर लेंगे, नहीं मेरे से गलती हो गई, वो पानी का हिस्सा तो एस ऑयल में हरियाणा का है, पंजाब का नहीं है। इस प्रकार की इमेच्योरिटी है, इसको ये पता ही नहीं, हालांकि कोर्ट का निर्णय है, उसके खिलाफ जाके बोलता। जनता का चुनाव प्रतिनिधि, मानो गलती से जनता ने मुख्यमंत्री बना दिया पिछली बार। अब जो सरकार होती है, जनता के प्रतिनिधि होते हैं, एमएलए होते हैं, मंत्री होते हैं, नीतियां बढ़ाते हैं, नीतियां आगे लागू कौन करता, अफसर अधिकारी करते हैं। और इसने क्या किया, अधिकारियों का जो प्रमुख होता है, सबसे बड़ा अधिकारी होता है, कौन होता है, चीफ सेक्रेटरी, और इसने उठा के चीफ सेक्रेटरी को थप्पड़ मार दिया, मारा ना। यानी इस प्रकार की शर्मनाक घटनाएं बुद्धि वाला आदमी नहीं कर सकता, खोखलापन है बिल्कुल।
ये मैं आपको ऐसी बातें बता रहा हूं जो शायद सामान्य बातें किसी और ने नेता ने नहीं बताई होगी। अपने चीफ सेक्रेटरी को ये थप्पड़ मार रहा, ये तो अपने घर के अंदर जैसे दो प्रमुख आदमी होते हैं जिनको घर चलाना होता है, एक आदमी दूसरे आदमी को थप्पड़ मार दे घर चलेगा क्या? नहीं चलेगा। और तो और अन्ना हजारे जिसकी उंगली पकड़कर जिसके उस आंदोलन के आधार पर ये सीढ़ियों पर चढ़ करके राजनीति सीढ़ी पर चढ़ गया यहां तक, अन्ना हजारे को भी ठेंगा दिखा दिया, दिखाया ना लोकपाल। और ये फलाना पाल जब चलते रहे, कहां गए इनका लोकपाल? कहीं है इनके मुख पर लोकपाल की बात? नहीं है। कितने साथी इनके साथ आए, एक एक करके सारे छोड़ के भाग गए, कोई टिका इनके पास? प्रशांत है और फिर वो कुमार विश्वास है, किरण बेदी है, कौन कौन कितने नाम है, मिश्रा है, योगेंद्र यादव है, प्रशांत भूषण, यानी एक भी व्यक्ति इनके साथ रहा नहीं। और ये जो दो चार आज लगे हुए, पता नहीं कब तक इनके साथ रखेंगे और कब इनको भी धुतकार देंगे। कल तो मुझे कोई कह रहा था कि बहुत जल्दी सिसोदिया का नंबर आने वाला। एकमात्र व्यक्ति अपने आप को जितना बड़ा मान के चलता, कभी भी राजकाज चलाने का कोई सिस्टम नहीं बना सकता। और अब चूंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार 14वीं बनी, एक बड़ा विषय देश में चल रहा था कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, उस पर देश की जनता ने मोदी जी को सरकार में लाए, भ्रष्टाचार के ऊपर रोक भी लगाई, एक भी मोदी जी के ऊपर किसी प्रकार की उंगली कोई नहीं उठा सकता, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम नहीं उठा सकता। हम भी 2014 के अक्टूबर में इस भ्रष्टाचार के विषय को लेकर हरियाणा में सरकार में आए, हमारी सरकार भी जनता ने दोबारा से अपना आशीर्वाद दिया, फिर दोबारा से हमारी सरकार बनी, एक भी उंगली कोई उठा नहीं सकता हरियाणा के। उसी भाव में, क्योंकि इसने अन्ना हजारे ने उन्होंने भी कहा था भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए, जनता ने सोचा ये भी भ्रष्टाचार खत्म करेगा, लेकिन क्या भ्रष्टाचार खत्म करेगा? अपने घर के अंदर भ्रष्टाचार, टिकटें बेचने का काम, अभी कौन, हमारे आजाद सर जी कह रहे थे, सुशील गुप्ता खुद कहता है करोड़ों रुपए लिए, कुमार विश्वास कहता कि अगर करोड़ों रुपए लेने थे तो फिर हमको पार्टी में क्या करना था। और ये जो आज के भी आपके जितने प्रत्याशी हैं, ये सब भी प्रत्याशी उसी लाइन पर चल रहे हैं। बहुत व्यापारी मुझे, कल मैं गया हुआ था शाहदरा विश्वास नगर, वहां व्यापारी बता रहे थे कि रोज सवेरे कोई ना कोई फोन कर देता है कि इतना चंदा चाहिए, इतना खर्चा चुनाव का आप डाल लो, इतना आप दे जाओ, अपना आप ये फला चीज दे जाओ, फला चीज दे जाओ, और इन सारे प्रत्याशियों से पैसे लेकर के टिकटें दी है। जो अपने प्रत्याशियों से टिकटों के पैसे देगा, वो प्रत्याशी अगर कल को विधायक बनेगा या मंत्री बनेगा, पैसे निकालेगा कि नहीं निकालेगा? वहीं से निकालेगा, जितने दिए हैं उतने निकालेगा क्या? ज्यादा निकालेगा। और अगर कहीं एक आध बार पहले चुनाव लड़ा हुआ होगा, नहीं जीता होगा, तो वो हिसाब भी साथ जोड़ के निकालेगा। और फिर ये जो बनने वाला जिसने इस प्रकार के धंधे करके चुनाव लड़ा जीता है, इसको ये भी पता है कि मुझे अगली बार फिर चुनाव लड़ना है तो